आज हम बनाएंगे नमकीन बिल्कुल अलग तरीके से, बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी, चाहे बच्चे या बड़े सब बेहद पसंद से खाएंगे। मैं इसे बना कर रखती हूँ, बच्चों को टिफ़िन में भी देती हूँ, बहुत पसंद है मेरे बच्चों को। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने दाल भिगो के रख दिया था, 3 से 4 घंटा हमने दाल को अच्छे से भिगो के लिया, और इसे हम मिक्सी में एक पेस्ट बना लेंगे फाइन। और इसके साथ हमने कड़ी पत्ता ऐड कर दिया, कड़ी पत्ता का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगी नमकीन में। दाल को हमने पेस्ट बना लिया फाइन, और इसे हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। यहाँ हमने गेहूं के आटा ले लिया, साथ ही में हमने नमक ऐड किया, काली मिर्च और अजवाइन ऐड किया। अजवाइन ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा आएगी फ्लेवर नमकीन में। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इससे थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे, जितना आटा चाहिए हम उतना डाल लेंगे। 1 कप हमने आटा ले लिया, अभी 1/2 कप हमने पहले ऐड किया, बाकी का आटा अभी ऐड कर रहे हैं। जितना हमें चाहिए उतना ऐड करेंगे। इसे सख्त डो लगानी है नमकीन में, अगर आप डो अगर सख्त नहीं लगाया, थोड़ा ढीला लगाया, तो नमकीन जो है फूल जाएगी, बिल्कुल अच्छा कुरकुरे नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा गूँथ लिया, और ऊपर से हमने ऑयल ऐड कर दिया 1 चम्मच। इसे बहुत ही अच्छा से मोयम देना है। डो हमारा अच्छे से तैयार हो गया, इसे हम ढक कर रख देंगे 1 घंटे के लिए, रेस्ट करने देंगे। डो को हमने 1 घंटे के लिए ढक कर रख दिया था, अभी 1 घंटे के बाद इसे थोड़ा सा और गूँथ लेंगे। इस नमकीन को बना के मैं घर पर रखती हूँ, कभी हम चाय के साथ भी खा लेते हैं, बच्चों को टिफ़िन में देते हैं, तो बच्चों भी बहुत शौक से खाते हैं, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। डो को हम छोटा छोटा लोई में काट लेंगे, और जैसे पराठा बेलते हैं हम उसी तरह से इसे बेल लेंगे, बिल्कुल पराठे जैसे बेलते हैं उसी तरह से बेल लेंगे। ऊपर से हमने थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क दिया, और इसे पराठे की तरफ बेल लेंगे। ऊपर से देखिए थोड़ा सा घी लगानी है इस तरह से। घी लगाने से जो हमारा नमकीन है बिल्कुल खस्ता बनेगी। देखिए बिल्कुल पराठे की तरह ऐसे फोल्ड करनी है, इसी तरह 2-3 फोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसे 2 फोल्ड किया। आप चाहे तो इसे 3-4 फोल्ड भी कर सकते हैं, जितना फोल्ड करेंगे उतना लेयर का आपका नमकीन बन के तैयार होगी, और बिल्कुल खस्ता बनेगी नमकीन, बहुत ही पसंद आएगी सबको। तो फिर मैंने 1 और चम्मच घी ले लिया, और ऊपर से इसे स्प्रेड कर दिया। इसे दोबारा से फोल्ड कर देंगे। और इसे ऊपर से बेल देंगे, और थोड़ा सा फैला देंगे। अब हम इसे चाकू से लंबा लंबा काट लेंगे। आपका मन पसंद चाहे आप शेप दे सकते हैं, मैं इसे लंबाई लंबाई काट रही हूँ, क्योंकि बच्चों इसे हाथ में पकड़ के खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह से शेप देती हूँ। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं। सारे नमकीन इसी तरह से हमने काट के तैयार कर लिया, और ऑयल को हमने पहले से गर्म करने रख दिया था। ऑयल हल्का गर्म करना है, ज़्यादा उबला हुआ गर्म नहीं रखना है, और फ्लेम को भी बिल्कुल कम रखना है। और नमकीन जैसे आप ऐड करेंगे तुरंत आप करछी मत डालिएगा, जैसे नमकीन ऊपर आ जाए तैरते हुए उसके बाद ही करछी डालिएगा, नहीं तो नमकीन टूट जाएगी। और इसे जब नमकीन ऊपर आ जाए तो लगातार थोड़ा सा इसे घुमाते रहना है, और फ्लेम को आप बिल्कुल लो रखिएगा, तभी जाके नमकीन हमको खस्ता कुरकुरे नमकीन बनेगी। फ्लेम को आप बिल्कुल हाई मत कीजिएगा, हाई करने से आपका नमकीन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, फिर बिल्कुल अच्छा कुरकुरे या खस्ता नहीं बनेगी। तो हमने सारे नमकीन इसी तरह से फ्राई कर लिया। अब हम तैयार करेंगे नमकीन में 4 चांद लगाने वाला मसाले। तो मसाले के लिए हमने यहाँ पे काला नमक, चाट मसाला, कश्मीरी चिली पाउडर और जीरा पाउडर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, और इसे हम छिड़क देंगे नमकीन के ऊपर। ये मसाले जो नमकीन के ऊपर अगर आप ऐड कर देंगे तो नमकीन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार इसी तरह आप नमकीन बना के देखिएगा,
चाहे बच्चे हो या बड़े, सबको बेहद पसंद आएगी ये नमकीन। आप इसे डब्बे में भरकर आराम से एक महीना तक खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आज की रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।